कसूर में बलों की पावर प्लांट के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए तेज रफ्तारी से काम जारी है। बलों की पावर प्लांट में जदीद टर्बाइनें लगाई जा रही हैं। 1200 मेगावाट का पावर प्लांट 2017 में मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बिजली की पैदावार के मुतअद्दिद मंसूबे तकमील के मराहिल में हैं। गर्मियों में लोड शेडिंग कम होगी। मंसूबे में 40 अरब रुपए की बचत की गई है। 2014 का धरना, 2016 का लॉकडाउन, उससे जो हलचल पैदा हुई, इर्तियाश पैदा हुआ और जिससे कौमी तरक्की सुस्त रवि का शिकार हो गई और उससे मुल्क के अंदर एक हैजानी कैफियत पैदा हुई, इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद अल्लाह ताला के फज़ल करम से ये मंसूबे मुकम्मल होंगे। पनामा केस के हवाले से शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें अदालत उज़्मा पर यकीन है और अदालत का एहतराम करते हैं। हम पीटीआई की तरह नहीं, फैसला हक में ना आए तो जजेस पर इल्जाम लगा दें। ये इंसाफ की धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ है। इससे कबल वज़ीरे आला पंजाब शहबाज शरीफ ने बलों की पावर प्लांट के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लिया और मुतल्लिका हुकाम को मनसूबे की बरवक्त तकमील की हदायत की।